गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आपके साथ सोनू बोरा, और आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के 14 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीटेट फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए कवर हो जाता है। सीटेट सेकंड में आपका बायोलॉजी साइंस में इंक्लूड होके आएगा, लेकिन सीटेट फर्स्ट में ये इन्वायरमेंट के क्वेश्चन बन के आ सकता है। और ऐसे क्वेश्चन हैं इसमें जो आपके कंपटीशन, कोई अदर कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी यह बेनिफिट है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपने अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें देखने को मिल गया होगा। इसमें ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको जो आपने कभी पहले दे रखे हैं, और कुछ नए क्वेश्चन होंगे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहला जो है अध्ययन, इसमें हम जितने भी अध्ययन हैं वो सभी पढ़ेंगे हम। तो पहला पढ़ते हैं हम, पहला जो अध्ययन है वो है मधुमक्खी पालन का अध्ययन। जो लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं उसका जो अध्ययन किया जाता है उसका क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं, सभी को पता होगा, एपिकल्चर उसका नाम है। नेक्स्ट है रेशम कीट पालन का अध्ययन। जो लोग रेशम के कीड़े पालते हैं उसका जो अध्ययन करते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे पेपरों में आपने देखा भी होगा दोस्तों इसको। और नेक्स्ट है मत्स्य पालन का अध्ययन। जो मछली पालते हैं उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पीसी कल्चर। ये सब इंक्लूड है दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं रिपीट हो जाते हैं। नेक्स्ट है कवकों का अध्ययन। जो लोग कवकों का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। और जो लोग शैवालों का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं फाइकोलॉजी। ये एक दूसरे से नाम रिलेट हैं, तो कवकों के अध्ययन करेगा माइकोलॉजी और शैवालों के जो अध्ययन करेगा वो फाइकोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट है ये पहले क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट है सिक्स वाला पुष्पों का अध्ययन। जो फूलों का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, एंथोलॉजी। नेक्स्ट है फलों का अध्ययन। जो लोग फलों के अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं पोमोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, जो लोग फलों का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं पोमोलॉजी। नेक्स्ट है पक्षियों का अध्ययन। जो लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है मछलियों का अध्ययन। जो लोग मछलियों का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एम्थियोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको, एम्थियोलॉजी। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है टेंथ है कीटों का अध्ययन। जो लोग कीटों का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। कीटों, कीट को क्या बोलते हैं, जो कीड़े होते हैं उनको आंट बोलते हैं, तो इसी से नाम रख लो एंटोमोलॉजी। तो इससे रिलेट कर लें तो आसानी होगी याद करने में। नेक्स्ट है वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। जो लोग वृक्ष के और झाड़ियों दोनों के अध्ययन कर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेंटियोलॉजी। नेक्स्ट है सर्पों का अध्ययन। जो लोग सांप का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओक्योलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, ओक्योलॉजी। नेक्स्ट है 13 है छिपकलियों का अध्ययन। जो लोग छिपकलियों का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सारोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, सारोलॉजी। नेक्स्ट है कास्टी पेड़ों का अध्ययन। जो काट के पेड़ होते हैं उसका अध्ययन को क्या कहते हैं, उसको अध्ययन को बोलते हैं सिल्वी कल्चर। क्या बोलते हैं उसको, सिल्वी कल्चर। तो ये हमने टॉप 14 अध्ययन के बारे में पढ़ाई जो इम्पोर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं।